मीडिया सोर्सेज में हम लोग सुन रहे हैं कि कोई वीडियो भ्रामक वीडियो जो है चल रहा है, जिसमें कई इस तरह के तथ्य बताए जा रहे हैं कि वो लोग पार्टी कर रहे थे और वो लोग शराब पी रहे थे और एक दूसरे को, तभी वैसा कुछ हुआ। लेकिन अभी तक के हमारे पूरी जांच से हम लोग विस्तृत जांच किए, जिसमें सभी लोगों से बात किए और आसपास के सभी कुछ ग्रामीण साक्ष्यों से भी इसमें बात हुई है, जिसमें ये तथ्य जो है झूठा साबित होता है। इस तरह का जो वीडियो और ऑडियो जो है वो किसी शरारती तत्व ने, या जिसको पता नहीं है, उसने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ऐसा बोला गया। हमको CRPF कैंप में पार्टी के किसी प्रकार के कोई भी एविडेंसेस वगैरह हमारी पुलिस टीम को नहीं मिले हैं, और इस तरह का जो ऑडियो है वो भ्रामक है। ये सिंपल 3:30 बजे तक सभी लोग सो रहे थे, सोते हुए लोगों पे बैरक में हमला हुआ है। एक बैरक में, जो सिंगल बैरक के अंदर ही सब लोग बेड पे थे, बेड पे हमला हुआ है। कोई पार्टी वगैरह का वहाँ कुछ नहीं था, बेड पे सभी जवान सो रहे थे। और सोते हुए जवान पे जो गोली लगी है उसका भी, और गोली जो लगी है वो दीवार वगैरह का जो साक्ष्य है उस सब से भी साबित होता है कि वो कोई खड़े नहीं थे या कोई पार्टी वगैरह जैसा कुछ नहीं, वो सो रहे थे आराम से। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें तो फालतू की अफवाह है, जिसको जो वो वीडियो है वो वायरल वीडियो जो है वो भ्रामक है और उसमें वो सत्य से एकदम परे है। इस तरह की वीडियो को मेरी अपील आपके माध्यम से ना फैलाया जाए और उसको रिफ्यूट किया जाए। साड़ी के बारे में जितना हमने सुना है उसका बिल्कुल फर्जी टाइप का लग रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई बुनियादी नहीं लग रहा है, क्योंकि इस घटना में मात्र 7 जवान घायल हुए थे, उनमें से 4 का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, बाकी 3 का भी इलाज जारी है, 2 रायपुर में और 1 भद्रांचल में इलाज जारी है। इसके अतिरिक्त और किसी अन्य कोई जवान घायल नहीं हुआ है। वो जो लग रहा था किसी शरारती तत्व द्वारा, मतलब एक प्रकार का जैसा माहौल का निर्मित करने के लिए कोशिश की गई है, लेकिन इस घटना को लेकर प्रोफेशनल तरीके से विवेचना की जा रही है। एक इंटरनल तरीके से जो संबंधित फोर्स भी करते हैं, यदि CRPF करना तो फिर उनके वरिष्ठ अधिकारी भी उसका जांच पड़ताल करते किस परिस्थिति में घटना हुआ। लेकिन जो कुछ लोग द्वारा मतलब अनावश्यक माहौल निर्मित करने के लिए कोई फर्जी ऑडियो या फर्जी तरीके से खबर को फैला कर करने के, उससे सावधान रहने की भी जरूरी है।